गुजू बेन का नाश्ता, जिसे है हमें वास्ता। गुजू बेन का नाश्ता जिसे है हमें वास्ता। मजा आ गया यार मोहित, वेरी गुड मैन, ये वेरी नाइस। इतना वेफर हमारा अच्छा नहीं लगा? वेफर वेफर भी अच्छा लगा, अगर ऐसे पूछेगा तो सब अच्छा लगेगा ना। आज मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि जिनको मैं मिलने जा रहा हूँ वो होम शेफ है, उनका खाना बनाने का एक्सपीरियंस लगभग 50 साल का है। उनका जीने का अंदाज, उनके जीने का जज्बा कुछ अलग ही है। उनका स्माइल और उनका खाना अनमैच्ड अनपैरल्ड है। मैं जा रहा हूँ उर्मिला बेन से मिलने, जो फेमस है गुज्जू बेन का नाश्ता के नाम से। सिर्फ नाश्ता नहीं बनाती, बहुत सारा खाना पकाती है घर का। शी इज नियरली 70 इयर्स ओल्ड बट यंग एट हार्ट। चलो जाकर मिलते हैं उर्मिला बेन उर्फ गुज्जू बेन से और पूछते हैं कि भैया खाने में क्या है। કેમ છો દાદી? બસ મજામાં આવો. આજે શું છે મેન્યુમાં? આજે મેન્યુમાં છે ફરાળી પેટીસ, પનીર મટરનું શાક, આપણે રોટલી, પરાઠા, થેપલા. આઈ ઉંમર મે એટલા કામ? ઉંમર ક્યાં છે હજી? હા અભી ઉંમર નહીં હોઈ. નહીં હોઈ. મેં ગુજુબેન કા નાસ્તા કબ સે સુન રહા હું. मैंने ट्राई भी किया है और अभी मुझे आपके थेपले का और फराड़ी पेटिस का सपना भी आता है। तो आज मैं आपको खिला दूंगी, आपको सपना आता है तो। आज तो आप चख के देखिए कैसा लगता है आपको। अच्छा मैं कुछ मदद करूँ आपका थोड़ा सा? हाँ जी, आप ऐसा करो, आप ये पनीर को काटो, एकदम छोटा छोटा करने का, और छोटा करने इसमें से भी दो पीस करो, इसका इसमें भी दो करो, इसका दो पीस करो। ये अपन पुलाव के लिए करते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े पीस अच्छे नहीं लगते। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर, इसको भी थोड़ा छोटा बनाता हूँ। इसको भी थोड़ा छोटा, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं छोटा, और फिर इसको अभी मैं ऐसे बनाऊँ? हाँ बस छोटे छोटे, हाँ बराबर है, परफेक्ट छोटे छोटे। આજે હું રસોઈ કરવા નીચે બેસીશ અને ખાઈશ ફરાળી પેટીસ, અને ખાઈ ફરાળી પેટીસ। વાહ, દાદીને ભી શેરી કરી દી। તો યે કેસે શરૂ હો ગયા દાદી? યે પહેલા કોરોના આયા, સબસે પહેલા કોરોના આયા, કરેક્ટ, તભી મે આચાર બના રહી થી, તભી અમારા આચાર તો સબ હર સાલ હોતા હૈ, ફિર યે સાર આચાર બના રહી થી। तो मेरे पोते हर्ष को विचार आया कि दादी आप कौन अचार तो बनाते हैं, मैं इसमें डालूँ क्या अचार के लिए, व्हाट्सएप पे डालूँ क्या अचार, आप बनाएंगे क्या? मैं बोला ठीक है डालो। तो हमने अचार डाला और पब्लिक को भी पसंद आया और कम से कम हमने 500 किलो अचार बनाया। 500 किलो सबको बेचा, सबको बहुत अच्छा लगा। अभी भी हमको इतना ही ऑर्डर आते हैं अचार का, और करते हैं हम लोग अचार, और अभी तो अचार का सीजन गया। और पहले से आपका नाम तो था ना कि उर्मिला बेन का हाथ का खाना गुजराती फैमिली में बद्दू सरस छे, बद्दू सरस छे। हूं लंदन जई આવી છું, પોર્ટુગલ જઈ આવી છું। શું વાત છે? આના માટે ક્યાં ક્યાં વહા જાકે આપને? વહા જાકે ખાના પકાયા, સબકો ખાના ખિલાયા। અચ્છા, ઓર સબકો ભી બહોત પસંદ આયા લંદન પોર્ટુગલ મે? હા લંદન મે પોર્ટુગલ ગયે થે, વહા ભી ખાના પકાયા। ફિર વો લોગ બોલો કે આપ અમારે રેસ્ટોરન્ટ મે આવો, મે બોલે નહીં રેસ્ટોરન્ટ મે કામ કરને કો મે નહીં કરૂંગી, घर का खाना, घर में नहीं, रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए। अच्छा। मैं बोला नहीं उधर में नहीं आऊंगी, घर से मैं जो खाना बनाती हूँ वो खाना ही, वही खाना सबको पसंद आता है तो वो खाती हूँ।
तो आप पहले से ही लोगों के घर में जाकर खाना पकाती थी? घर में जाके खाना बनाती थी, बहुत साल हो गए, बहुत साल। और वो कुछ नया रेसिपी बनाते हैं तो वो मैं देख लेती हूँ, मेरे को बोले ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ तो मैं देख लेती हूँ, फिर घर में आके वापस ट्राई करते हैं कि बराबर होता है कि नहीं बराबर होता है। फिर आपने वो सब जगह जाकर किया, फिर यहाँ से लॉकडाउन में सब घर पे बैठे थे। हाँ, तो लॉकडाउन में तो सब बंद हुआ, हमारा बाबा का बिजनेस भी थोड़ा बंद किया उसने। फिर हम लोग ने सोचा चलो, फिर हर्ष मेरे को बोला कि दादी चलो ना अपन कुछ खाना बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे तो उसमें अच्छा अच्छा रहेगा। और फिर नाश्ता बनाना चालू किया, नाश्ता हमारा अच्छा था, बटेटा वड़ा, साबूदाना वड़ा, समोसा, ये सब, साबूदाना खिचड़ी, रगड़ा पेटी, खिचड़ी बहुत पसंद है, बनाया है, बनाया आज। तो आज मैं क्या खाऊंगा आप मुझे बताओ, क्या दिल है खाने का वो बताओ। आई लव हर स्पिरिट। मैं थेपला तो खाऊंगा, थेपला खाएंगे, हाँ, फराली पैटीज खाऊंगा, हाँ, वही है, साबूदाना खिचड़ी, ओके, समोसा, ओके, और क्या खाऊंगा, सब्जी है, दो दो सब्जी, दो दो सब्जी, उंधी है, उंधी नहीं, सीजन है, ठंडी में ही आता है, ठंडी में आता है, तुमको ठंडी में मैं वापस बुलाऊंगी कि ठंडी में खाने को आओ, मैं आऊंगा ठंडी में आऊंगा, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन इसी गर्मी में बैठकर दादी पका रही है खाना ताकि हम अच्छा घर का गुजराती खाना खाए। और क्या मीठा में क्या है? पूरनपोली। पूरनपोली, वेरी गुड, ये गुजराती का फेवरेट डिश है, फेवरेट डिश। उस पे घी डालते हैं, थोड़ा सा घी में डुबो के खाते हैं। चलो दादी, तो फिर मुझे भूख लगी है अभी, हाँ? आप लगाओ काम पे और मेरे को खिलाओ खाना, चलो जरूर, हाँ? जरूर, एक 15 मिनट रुको, बस रुकता हूँ मैं, बस 15 मिनट के बाद आपको जो मांगता है वो मिलेगा। थैंक यू। खाने से पहले एक ही चीज कहनी है मुझे कि अगर क्रिकेट का बाप तेंदुलकर है तो होम शेफ्स का बाप नहीं, होम शेफ्स की दादी ये है उर्मिला बेन। आज है कुछ अलग ही रास्ता, खाने में नहीं पिज्जा और पास्ता, क्योंकि आज मेन्यू में है गुज्जू बेन का नाश्ता। आहा, देखो जो भी हम लोगों ने वहाँ कुक किया वो सब यहाँ मेरे सामने है। इतना सारा गुजराती खाना मैंने जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी क्या करें, मैं बोल रहा हूँ कि ये फराली पैटिस है उससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि फ्राइड फूड इज गॉड्स फूड। बाहर का जो कोटिंग है वो पूरे आलू का होता है और अंदर कोकोनट, कोथिंबीर यानी धनिया, ड्राई फ्रूट होते हैं अंदर, और थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा और बहुत टेस्टी होता है ये। फराली पैटिस के बाद साबूदाना वड़ा जो मेरा सबसे फेवरेट है, साबूदाना वड़ा भी है और साबूदाना खिचड़ी भी है। अगर साबूदाना जो महाराष्ट्र से नहीं आते उनको पता नहीं होगा कि साबूदाना टैपियोका के ड्रॉप्स होते हैं, उसकी से खिचड़ी भी बनती है ये ऐसी, और ये साबूदाना वड़ा भी बनता है, उसमें आलू जाता है, जीरा जाता है, हरी मिर्ची जाती है, धनिया जाता है इसमें, साबूदाना खिचड़ी। मैंने कहा ना देखिए कैसे मोती जैसे बॉल्स होते हैं इसके। गरम गरम साबूदाना खिचड़ी, खिचड़ी बनाने में ट्रिक होता है,
कभी कभी खिचड़ी थोड़ा रबरी बन सकती है, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट है। जीरा का एक ज़बरदस्त स्वाद है इसमें, आलू भी परफेक्टली कुक हुए हैं, थोड़ा सा तीखा थोड़ा सा मीठा, जैसा ज़्यादा करके गुजराती खाना होता है। ये पनीर का पुलाव है, गुजराती स्टाइल, इसमें पनीर है, काजू है, जीरा दिख रहा है, कैप्सिकम है इसमें, ग्रीन पीस है। एक्सलेंट, लंबा लंबा बासमती राइस, हल्का हल्का फ्लेवर। गुजराती जब लोग जब वेजिटेबल्स कुक करते हैं तो जस्ट राइट कुक होते हैं, तो क्रंच भी आता है वेजिटेबल्स का। ये नहीं खाते। ओके, गुजुबेन का थेपला बहुत फेमस है। थेपले, ये मेथी का थेपला है, एकदम पतला, हल्का, स्पाइसी, टेस्टी। और ये अचार है, और गुजुबेन ने शुरुआत अचार से की थी और उनके अचार फेमस है, तो ये जैसे मिक्स वेजिटेबल अचार लग रहा है। अचार इज ऑल्सो वंडरफुल, खट्टा खट्टा तीखा तीखा अचार, सरसों का स्वाद। ये है पराठा, जीरे का पराठा, जीरे का पराठा। और ये पराठा में ये पनीर मटर के साथ खाऊंगा। ये पनीर मटर लगती है पंजाबी डिश, लेकिन बनाई हुई गुजराती स्टाइल में। काफ़ी रिच है ये पनीर, ग्रेवी भी बहुत ब्यूटीफुल है, और उसमें जो काजू है ऊपर से, मज़ा आ गया। गुजरात का सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस ढोकला, सफ़ेद ढोकला और खांडवी। खांडवी बेसन से बनती है और बहुत ही डेलिकेट होती है, इसको बनाना एक आर्ट है, वो सबको नहीं जमता बनाना इसको। इसके ऊपर जो राई का तड़का जाता है, इससे पूरा स्वाद निकल आता है, इसका उभर आता है। ढोकला, ढोकला, सॉफ्ट मुलायम ढोकला। समोसा रह गया, पनीर वाले हैं, पंजाबी वाले हैं, ये पनीर का समोसा है, पनीर और कॉर्न। और समोसे का मज़ा आता है चटनी के साथ, ये चटनी भी वंडरफुल है, थोड़ी हरी चटनी, थोड़ी मीठी चटनी। और ये देखिए, आलू वाला पंजाबी समोसा, छोटा सा, ये मीठी चटनी के साथ बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। क्या रह गया, ये बनाना वेफर्स है, लेकिन इतने पतले हैं, इतने थिन है, और आखिर में गुजुबेन के नाश्ते का हाईलाइट, पूरन पोली विथ घी। घी 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 से भरा हुआ है, घी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ऐसे सब कहते हैं, मेरी दादी कहती थी, गुज्जुबेन कहती है, सब कहते हैं, तो क्या बुरा है। वाह,
मजा आ गया। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर गुज्जू बहन के नाश्ते में इतना सारा है तो गुज्जू बहन के लंच और डिनर में क्या होगा। चलो बस हो गया, बहुत खाया, आपका भी पेट भर गया ना। अगर आपको ये सब अच्छा लगा खाना तो प्लीज़ राइट कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल। आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि भैया खाने में क्या है। अच्छा ये मैं भूल गया, वड़ा पाव खाकरा, खाकरा मेड विद खाकरा इज फेमस गुजराती डिश मेड विद वड़ा पाव मसाला। तो बिल्डिंग सुपर वेरी नाइस। टूट पड़ो निलेश, आज तेरी तेरा क्रिसमस है आज। यस खा लो प्लीज, शेयर मैं नहीं खा सकता इतना सारा। चलो डन, सुपर मजा आ गया। चलो क्या फराली पैटिस।